गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, यस, तो दोस्तों, कल जिस प्रकार से आप लोगों ने लेख से और हमारे बारे में आपने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी कमेंट बॉक्स में जाके, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और किस किस ने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हैं सोनाली कुमारी जी ने, जिन्होंने मेरे बारे में और लेख के बारे में काफ़ी कुछ कहा और अच्छा भी लगा। और आपने नंबर का जिक्र किया है जी, ज़रूर देंगे। कभी भी यदि पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत आए, तो आप बेझिझक आप हमें कॉल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद हैं लक्ष्मण सिंह जी लिखे, नाइस वीडियो, थैंक यू सर। उसके बाद हैं झुंपा महाताओ, इन्होंने कहा है दोस्तों ग्रहों पर इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो जी बिल्कुल हो सकते हैं, जिस तरह से हमने तमाम कहानियों के माध्यम से देखा है, जिस तरह से तमाम तरह के इनोवेशन हुए हैं, खोज रिसर्च चल रही है इससे रिलेटेड, तो मे बी क्या 100% भी हो सकता है। अब ये चीज़ें क्लियर वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। उसके बाद है आनंद शाह हैं, तमाम लोगों को लाभ मिलेगा जो जिस प्रकार से योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जो 20 लाख का पैकेज दिया गया, किस तरह से उन्होंने MSME का जिक्र किया है, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद है पंकुजा, तो पंकुजा जी दोस्तों आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। और उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि हम हरियाणा के रोहतक ज़िले से हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर और जानकर। तो मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे क्या है ना, एक अटैचमेंट बढ़ने लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से अपने विचार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर समय मिले तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस स्टेट और किस ज़िले से हैं। उसके बाद सूरज कुमार जी ने लिखा है कि इस प्रकार की चीज़ें जो जनसत्ता के एडिटोरियल में दिया था, कि इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, जो तस्तरी नुमा जो कुछ उड़ा था, ऐसा कई बार जिक्र हो चुका है, जाँच में भी देखा गया है। उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार जी ने लिखा है 20 लाख का जो MSME दिया जाएगा, जिससे तमाम तरह के जो लोग हैं जो इन योजनाओं से जुड़े हैं उनको सीधा सीधा इसका लाभ होगा, ठीक है, रोज़गार की भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नित्यानंद महावर जी ने लिखा है दूसरी दुनिया के बारे में, इसमें भी हो सकता है हमसे ये तेज तर्राक हों। उसके बाद अनुराग मूंद जी ने भी लिखा है, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद राजीव गिरी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि 20 लाख के MSP से किन किन को क्या क्या लाभ होगा और इसका असर हमारी इकोनॉमी में कितना पड़ेगा। तो आपके इस सोच और विचार और ओपिनियन के लिए आप डिज़र्व करते हैं। उसके बाद नागर एकेडमी भी ने भी MSME के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है, और जिस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, जाकर आप लोगों को देखना चाहिए, जो इतने अच्छे प्रभावशाली इन्होंने विचार शेयर किए हैं। तो आप लोग एक दूसरे के भी विचारों को पढ़ा करिए और लाइक किया करिए, ठीक है, जिससे उन्हें भी लगे कि नहीं, जो हमने विचार प्रस्तुत किया है, जो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के प्रयास के लिए, इस तरह आपका जो प्यार है ऐसे ही बनाए रखें, उसके लिए धन्यवाद। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस ज़िले और किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, और मैं बीच में कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसके ऊपर मैं आप लोगों को दे दूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, और प्रभावशाली होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, देने का तरीका उपहार से ज़्यादा मूल्यवान होता है। देने का तरीका का मतलब होता है जब आप दान करते हैं, अगर हमारे धार्मिक शास्त्रों में देखा जाए तो ऐसे ऐसे दान किए गए हैं तमाम महापुरुषों के द्वारा जिसके बारे में अकल्पनीय है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कर्ण किस प्रकार से, उसे पता था कि यदि ये सारे चीज़ें जो कवक्षण कुंडल थे, यदि मैं दान कर दूंगा किसी और को, तो उसके बाद मैं युद्ध में विजयी कभी नहीं होऊंगा, ठीक है, तमाम तरह के लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हों, मुझे हरा देंगे और मेरी मृत्यु निश्चित होगी, फिर भी वो अपना दान देता है। और हम दूर न जाएं दोस्तों, एकलव्य के पास जाएं, जब उनके जब गुरु थे, दान दक्षिणा मांगे थे उन्होंने, तो देखिए दक्षिणा आप छोड़ दीजिए, पर दान में उन्होंने अपना अंगूठा तक दे दिया। तो इंसान के अंदर इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को उपहार देते हैं, मे बी वो डिज़र्व करता है। देखिए उपहार हमेशा उसी को दिया जाता है जो सामने वाला डिज़र्व करता है, कि हाँ मैं उस हक, मेरा उस पर हक है, ठीक है, एक तरह से अधिकार होता है।
पर दोस्तों जो ऋणी हैं, जो कह सकते हैं चीज़ों से वंचित हैं, उपेक्षित हैं, ऐसे देश में समाज में तमाम तरह के लोग मिलेंगे जिन्हें आवश्यकता है। यदि आप छोटा सा मदद कर दें, दान कर दें, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। किसी को जैसे कई प्रकार का हो सकता है, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, कभी कई तरह के ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यदि आप सहयोग कर दें तो ज़िंदगी भर आपके ऋणी आभारी रहेंगे। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं। कभी भी याद रखिएगा, जो देता है वो कभी भी उसके पास कमी नहीं रहती है। तो आप लोग कभी भी इस तरह के कोई ऋणी हो, कोई मदद मांगने आए, तो जो आपके पास क्षमता हो, जो चीज़ें हो, कोशिश करिएगा कि दे दें। इससे आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों धर्मकीर्ति जोशी जी के बारे में। ये क्या हैं? लेखक कृषिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, कृषिल। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो आज इनका विषय है, शासकीय सुधारों की ज़रूरत जताता संकट। तो ये लिखा है कि कुछ ऐसे शासकीय स्टेप हमारे भारत सरकार को लेना पड़ेगा, राज्य सरकारों को लेना पड़ेगा, जिससे ये जो संकट है ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव उन चीज़ों पे ना पड़े। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकरीबन 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है, बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। पर दोस्तों यदि ये उन लाभार्थियों के पास पहुंच जाए तब मैं उस चीज़ को सही मानूंगा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी करप्शन कैसे मुँह बाय बैठा आप देख सकते हैं। यही जो योजनाएँ आई हैं देखिएगा इसमें कितनी धांधली होंगी। अब चलते हैं आगे। लिखा कोविड-19 आपदा के कारण दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं रसातल में जा रही हैं। रसातल का मतलब धराशाही, ठीक है। और जब इस महामारी का कोई कारगर उपचार नहीं निकलता तब तक हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहने की आशंका है। इस दौर में भारत के समक्ष चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई हैं, जिनसे पार पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद है। भारत अतीत के आर्थिक संकटों से उबरने में काफ़ी हद तक सफल रहा है और मौजूदा आपदा में हमारी फिर से कड़ी परीक्षा होने जा रही है। अगर हालिया आर्थिक संकट की बात करें तो दुनिया को 2008-2009 की वैश्विक वित्तीय मंदी के रूप में उससे दो चार होना पड़ा था। आपको याद होगा दोस्तों 2008 या 2009 के बीच में एक वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी जिससे कई देश पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। पर ये जो आज की स्थिति है ये चीज़ नहीं था, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें संचालित हो रही थी, उसके बावजूद आर्थिक मंदी आई थी। अब सोचिए आज तो सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, तमाम तरह के कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे तमाम तरह की चीज़ें बंद है। और कल के डेट में WHO ने अनाउंसमेंट किया कि हो सकता है ये जो बीमारी कोरोना जैसी महामारी से हम जिंदगी भर मतलब ये हमेशा ही रहेगा, या फिर ये कहा जाए कि ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हमारे बीच से, हमारे समाज से। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो दैनिक जीवन है, जिस तरह से अभी एक दो महीने से हम लोग चीज़ों को मेंटेन करते आ रहे हैं, उस चीज़ को हो सकता है एक लंबे समय तक मेंटेन करना पड़े, क्योंकि इसके वैक्सीन के बारे में कहा जाए तो बहुत ही कम संभावना है। जिस तरह से एड्स जैसी बीमारी है जिसका अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आज तक दवाई नहीं बनी, ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आप देखे भी होंगे जिन लोगों को कोविड-19 की वजह से संक्रमण हुआ है उसमें कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। उसके शरीर के जो तमाम आर्गन है, आर्गन का मतलब जो शरीर के अंदर बेस कीमती जो पार्ट्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट्स धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, किडनी उनका फेल हो जा रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी उस साल भी भारत न केवल 3.9% की दर से वृद्धि करने में सफल रहा बल्कि उसके अगले दो वर्षों में GDP वृद्धि दर 8% से अधिक रही। उससे पहले 1991-92 में भुगतान संतुलन के संकट ने भारत को घेरा था। वह विशुद्ध रूप से घरेलू किस्म का संकट था जिसकी बुनियाद उससे पिछले दशक में बेतरतीब सरकारी खर्च ने रखी थी। उस मुश्किल साल में आर्थिक वृद्धि दर महज 1% रह गई थी। हालांकि भारत न केवल उस संकट से बखूबी निपटा बल्कि उसने उन आर्थिक सुधारों की आधारशिला भी रखी जिन्होंने लाइसेंस परमिट राज का खात्मा कर उत्पादकता को बढ़ाकर देश को तेज आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख किया। दोस्तों यह एक चीज़ आपको बताएं, हमारे देश में जिस तरह से लाल फीताशाही को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है और तमाम तरह के जब जाँच पड़ताल किए गए तो इन्हीं लाल फीताशाहियों के ऊपर तमाम तरह के स्कैम के आरोप भी लगे। और देख सकते हैं कि जैसे ही यूपी में भाजपा की गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, उसके बाद उसने जांच का आदेश दिया जिस जांच में तमाम ऐसे
आईएसपीसीएस अधिकारी दागी निकले जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब खनन माफियाओं से जैसे किस तरह से मिलकर खनन करवा रहे थे, उसके बाद पैसा आधा आधा बांट रहे थे। तो ये जो एक करके बी चंद्रकला करके थी, आईएएस थी, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिनके बारे में भी खुलासा हुआ था और उनका फैन फॉलोइंग देख के आप कहेंगे कि ये कोई एक्ट्रेस है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें होने के बाद भी अगर देश में इस तरह की अव्यवस्थाएँ हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद है, इस कई मायनों में ज़्यादा खतरनाक है, इस महामारी ने मानवीय कष्ट को इतना बढ़ा दिया है जितना कई दशकों में नहीं देखा गया, इससे अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था लाल फीताशाही के बारे में बीच में। तो लाल फीताशाही के बारे में देख सकते हैं कि जिस तरह से जब कोई बाहरी कंपनी या कोई अन्य राज्य का आपके राज्य में या फिर आपके ज़िले में जब आप इन्वेस्टमेंट करेगा, एक कंपनी का निर्माण करेगा, कि किस प्रकार से जो लोकल लीडर होंगे, जो लोकल गुंडे होंगे, जो DM होगा, जो उससे नीचे की का अधिकारी होगा, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, आकर आपके पास अपना अपना मतलब परसेंटेज जोड़ने लगते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो बिजनेसमैन है इसीलिए वो उस जगहों पे निवेश नहीं करते हैं। तो ये जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, तमाम तरह के अप्रूवल का बहाना बना के पैसे लेकर ऐंठते चले जाते हैं, ये वास्तविकता है। तो इन चीज़ों में पारदर्शिता लानी पड़ेगी कि अप्रूवल सीधे या तो विधानसभा से आए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। इसका समाधान भी वैक्सीन में निहित है, जिसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। इस दौरान उतार चढ़ाव भरा दौर ही हावी रहेगा। भारत पर COVID-19 का प्रभाव 3 चरणों में पड़ा। चूंकि 3 में इस बीमारी की शुरुआत हुई तो वहाँ इसके प्रसार के साथ भारत के लिए आपूर्ति तंग हो गई। फिर दुनिया के तमाम देशों में महामारी फैलने के कारण भारत को बाहरी मोर्चे पर झटका लगा और अंत में जब इस महामारी ने भारत में पैर पसार लिए तो उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसने घरेलू मांग और आपूर्ति का ताना बाना ही बिगाड़ कर रख दिया। महामारी से उपजी वैश्विक मंदी से जहां हमारी निर्यात घटेंगे, वहीं विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा रेमिटेंस के रूप में भेजे जाने वाले धन में 30% की कमी आएगी। सोचिए, जो विदेशों में भारतीय बसे हैं, चाहे वो दुबई, सऊदी, कतर, ओमान हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, तमाम जगहों पे जो भारतीय मजदूर कार्यरत थे, काम कर रहे थे, पर इस मंदी की वजह से, इस महामारी की वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे जो मजदूर हैं पूरी तरह से पलायन हो रहे हैं अपने अपने देश, अपने अपने राज्य, अपने अपने गंतव्य पर। उसके बाद समस्याएं आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा आर्थिक पैकेज का सहयोग मिलता था, भारतीयों के द्वारा भेजा जाता था, वो चीज़ों पर भी रेटिंग कम हो जाएगी। इसके तहत देश को $83 अरब हासिल हुए थे। सोचिए 2019 में $83 अरब हासिल हुआ था, बहुत बड़ी रकम है, अब उसमें भी गिरावट आ जाएगी। जहां इस महामारी ने देश की हेल्थ केयर इकोनॉमी की कड़ी परख की है, वहीं इसका व्यापक प्रभाव आने वाली तिमाहियों में और बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। तमाम देश इस संकट को मात देने के लिए मिश्रित कदमों वाली रणनीति के साथ अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। इसमें संक्रमण के प्रसार को रोकने और आर्थिक प्रभावों की काट तलाशने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक भारत की रणनीति का प्रश्न है तो वहाँ वह मुख्य रूप से 3 वास्तविकताओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। 1, भारत का ऊंचा जनघनत्व जो चीन के मुकाबले 3 गुना है, जिससे वह संक्रमण के लिहाज से और संवेदनशील बन जाता है। 2, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा, जिसमें यदि महामारी काबू से बाहर हो गई तो भारत के लिए हालात संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 3, यह कि भारत के पास राहत देने के लिए विकसित देशों जितने संसाधन नहीं है। ये वास्तविकता है कि दोस्तों, जब विकसित देशों की ये स्थिति हुई है कि वो किस प्रकार से तमाम तरह के संसाधनों से जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भारत जैसे देश में यदि ये जिस तरह से पश्चिमी देशों पे हावी हुआ, यदि भारत जैसे देश में अगर हो गया तो दोस्तों ये मुश्किलें इतनी जटिल हो जाएंगी कि उसको सुलझाने, उसका समाधान निकालने में हमें दशकों लग जाएंगे, हो सकता है हम फिर उभर ना पाएँ। अभी तक तो भारत की रणनीति पहले 2 बिंदुओं पर केंद्रित थी और उसने राजकोषीय मोर्चे पर सीमित विकल्प ही अपनाए थे, परंतु मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज के साथ इस मोर्चे पर बड़ा दाव लगाया गया है। इसके अलावा मौद्रिक नीति के तर्कस में जो तीर थे वे भी आजमाए गए। भारत की कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में सक्रिय है और सरकार एक सीमा तक ही उनकी मदद कर सकती है। ऐसे में उसके पास
देर सवेर काम पर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। अभी हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में और चौथे की तैयारी है, इसकी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। तो देखिए, यदि आप आर्थिक कीमत नहीं चुकाएंगे, चाहे कोई भी देश हो, जिस तरह से लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं, और कुछ देश ऐसे भी दोस्तों अब रिलीज हो रहे हैं उस चीज़ को, लॉकडाउन एक्सटेंड को खोल रहे हैं, यदि आप इस तरह का निर्णय नहीं लेते तो आपके यहाँ जो मानव हैं, जो आबादी है, वो आबादी इतनी कम हो जाती शायद आप गिनती भर गिनते हैं। अप्रैल में विनिर्माण PMI 27.4 और सेवा PMI 5.4 के स्तर पर रहा, दोनों में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में हमने वित्त वर्ष 2021 के लिए 1.8% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कुछ जोखिमों के साथ शून्य पर भी पहुंच सकता है। अगर अतीत की बात करें तो 2008-09 के बाद भारत में तेज वृद्धि, भारी भरकम राजकोषीय मौद्रिक पैकेजों से संभव हुई थी, लेकिन उनके साथ ऊंचे घाटे और मुद्रास्फीति के सहगामी दुष्प्रभाव भी जुड़े थे। लॉकडाउन बढ़ाने में अर्थव्यवस्था की हालत और पतली होती जाएगी, ऐसे में आर्थिक को सहारा देने के लिए सरकार की भूमिका और बढ़ जाती है। सरकार ने शुरुआत में GDP के 1.7% के बराबर पैकेज दिया था, लेकिन वहाँ पर्याप्त ही था। यही वजह है कि अब जो उसने GDP के 10% के बराबर पैकेज घोषित किया है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलने भी लगी हैं। वास्तव में यह अप्रत्याशित समय भी ऐसा है कि नीति निर्माता संसाधनों के लिए राजकोषीय गुंजाइश की परंपरागत सीमा से परे जाकर कुछ सोचते हैं। यह 20 लाख करोड़ रुपए का समग्र पैकेज उसी सोच का परिणाम है। यदि सकारात्मक रूप से सोचें तो प्रत्येक संकट साहसिक सुधारों के लिए अवसर प्रदान करता है। भारत कोरोना संकट का इस्तेमाल अपने विनिर्माण क्षेत्रों को सशक्त बनाने और चीन से निकलने वाली कंपनियों को लुभाने में कर सकता है। यह श्रम और भूमि कानून में सुधार, लाल फिताशाही पर प्रहार करने का भी माकल मौका है। तो बता दें, यदि आप इस तरह के अगर टॉपिक आए, साहसिक सुधारों की जरूरत जताता संकट, तो इस पर आप किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, किस तरह से लेखन शैली को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले आप उन चीज़ों को रिकॉल करिए जिस वजह से हमारे राज्य में, देश में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं, जिस वजह से हमारे देश में, हमारे राज्यों में तमाम तरह की कंपनियां विनिवेश करने से डरती हैं। आखिर क्या कारण कि उत्तर प्रदेश जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी और यहाँ पे हर एक संसाधन होने के बाद भी कोई भी कंपनी विनिवेश करने से क्यों डरती है? तो उसके बारे में आप पहली प्राथमिकता दीजिएगा कि जो यहाँ पे लोकल गुंडे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।